समाजसेवी इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन के अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मोहन सालवे जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, फूल है चंदन है जिसको का बंधन है, आप सबका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है। और अपना अपना क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद उनको और मान्यवर मीडिया टीम पर बैठे हुए
को मैं सबकी बहुत अनुभावपूर्वक आग्रह करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं एक बात सभी को बोलना चाहूंगा, यहां पर जितने बैठे हैं, आपने संघर्ष किया, आपने अपने लिए लड़े, आपने सब कुछ किया, आप जीत भी गए कई चीजों में। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, यहां पर जितने बैठे हैं, जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, क्या आपको लगता है कि वो हमारे अनुरूप काम करते हैं? नहीं, नहीं आ रहा है। सबके अंदर एक थोड़ी सी घीस है या नहीं कि उनको सबक को सिखाना चाहिए? यस। और 100% मैं जानता हूं, यहां पर देख के समझ रहा हूं कि है। लेकिन क्या ये मोर्चा आंदोलन ये सब ठीक है अपनी जगह पर है? लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब, जिनका मैं गौरव हूं, बहुत मतलब बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। आज मैं भारत रत्न तो बहुत छोटा उनको सम्मान दिया गया, उससे भी बड़ा सम्मान उनको मेरे पास उतने उनको दूँ। और वाकई में बोल रहा हूं, जब उन्होंने संविधान लिखा होगा ना, तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे संविधान में इतना दुरुप क्यों होगा। आपको मैं बता दूं, ये प्रजा यहां पर बैठी हुई है, पूरी प्रजा जो हमारी 130 करोड़ 150 करोड़ की जनसंख्या है, ये मानी के इच्छुक है। ये जो सब विधानसभा में बोल रहे हैं, ये सब जो धरना कर रहे हैं, ये सब कौन है? ये सब हमारे चुने हुए लोग हैं। नशीबानी हा कार्यक्रम आम्हाला यायची संधी मिळाली। आमचे मित्र आहेत मित्रसाहेबांनी त्या कार्यक्रमास येण्यास विनंती केली होती। मला माझ्या कुटुंबाचे एक नाशिकवर आहेत होतं, परंतु मागच्या कार्यक्रमाला मला येऊ शकलो नाही। मी या कार्यक्रमाला आवर्जून मला यावं लागलं। योगायोग माझा असेल की लहानपणापासून ज्या माणसाबद्दल मी ऐकत होतो, हा त्याच व्यासपीठावरती त्या व्यक्ती महान व्यक्तींबरोबर मला बसायची संधी मिळाली। असतो आणि तो महत्वाचा काम मला जंगले सरांनी पुन्हा सरांनी दिलेला आहे, त्याबद्दल धन्यवाद। कैलाशवासी कात्यात्रा झुळे ह्यांचा जो स्वप्न आहे ते साकार करण्यासाठी आपण आज इथे जमलो, त्यांचंच पण आज इथे आपण जमलेलो आहोत, त्यासाठी आपल्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित झालेले आमचे नारके बाबाभाई भवानजी,